वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 का नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक किसे कहते हैं बच्चों? कपड़ों को कहते हैं, वस्त्रों को कहते हैं। और ये जो चैप्टर है आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर है। तो ये जो कहानी है दो दोस्तों की है, मैं अभी पढ़कर सुनाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त से मिले, जिनका नाम था जमाल साहब। पुराने दोस्त से मिलकर नसीरुद्दीन बड़े खुश हुए और कुछ देर गपशप यानी कि दोस्त से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा कि मोहल्ले में घूम आए, तो जमाल साहब यानी कि उनके दोस्त ने जाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। समझ में आया कि जमाल साहब ने मोहल्ले में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत मामूली कपड़े, बहुत मामूली पोशाक पहनी थी, इस वजह से वे लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। तो नसीरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन उनके लिए तुरंत एक भड़कीली अचकन, अचकन यानी कि शेरवानी निकाल कर लाए अपनी और कहा कि इसे पहन लो और इसे पहनकर तुम बहुत अच्छे लगोगे और सब देखते रह जाएंगे। अब दोनों ही बनठन कर मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनका नाम है जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वे मेरी है। समझ में आया कि जब नसीरुद्दीन जमाल साहब को अपने पड़ोसी के घर में लेकर गए तो उन्होंने पड़ोसी को ये भी बताया कि इन्होंने जो अचकन यानी कि जो शेरवानी पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि जैसे ही नसीरुद्दीन ने ये बताया कि जमाल साहब ने नसीरुद्दीन की पोशाक पहन रखी है तो ये सुनते ही जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वे बहुत शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। यानी कि जो जमाल साहब थे नसीरुद्दीन के ये बताने पर नाराज़ हो गए और मुंह बनाकर बोले कि तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी कि ये अचकन तुम्हारी है, और तुम्हारा पड़ोसी अब सोच रहा होगा कि मेरे पास पहनने के अपने खुद के कपड़े नहीं हैं। अब है बच्चों पेज नंबर 37। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगते हुए दोस्त से कहा कि गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से अपने दूसरे दोस्त से मिलवाने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, आदर सम्मान सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वे इनकी अपनी ही है। जमाल साहब अब फिर नाराज़ हो गए। देखो इस बार नसीरुद्दीन ने फिर से अचकन यानी कि शेरवानी का जिक्र किया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है ये इनकी अपनी ही है। तो जमाल साहब ये सुनकर फिर से नाराज़ हो गए और बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब नसीरुद्दीन कहते हैं क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चल सकता। जमाल साहब ने क्या कहा कि पोशाक की बात करनी क्या ज़रूरी है, इसके बारे में बात किए बिना क्या तुम्हारा काम नहीं चल सकता? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया कि पोशाक के बारे में किसी से कुछ भी ना कहना ही बेहतर है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक दूसरा पड़ोसी उन्हें मिल गया और नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उससे भी करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ, ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है।
यानी कि अब क्या बोले नसीरुद्दीन कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। यानी कि अब भी उन्होंने पोशाक के बारे में ही बात की, यानी कि वो अपनी पोशाक को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो खुश थे, नादान थे, वो बेइज्जती तो नहीं करना चाहते थे अपने दोस्त की, मगर वो नादानी में ऐसा कर रहे थे कि वो खुश थे कि उनके दोस्त ने उनकी पोशाक पहनी है, तो वो एक्साइटमेंट में सबको इसके बारे में बता रहे थे, मगर इससे उनका दोस्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब बच्चों पेज नंबर 38 है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर, नीचे आपको 5 प्रश्न लिखने हैं इस कहानी के बारे में बनाकर, और फिर उन 5 ही प्रश्नों के आपको उत्तर भी लिखने हैं। तो पहले हम 5 प्रश्न लिख लेते हैं। तो 5 प्रश्न क्या होंगे इस कहानी को लेकर। पहला प्रश्न होगा कि नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। दूसरा प्रश्न होगा कि जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर रहे थे। तीसरा प्रश्न होगा कि नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कैसा अचकन पहनने को दिया था। चौथा प्रश्न होगा कि क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। और पांचवा प्रश्न होगा कि क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी। तो बच्चों ये सारे ही आंसर मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। यहाँ पर पहले लिखना बहुत, फिर लिखना खुश हुआ। अगला प्रश्न है जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर रहे थे। तो उत्तर होगा जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी पोशाक मामूली लग रही थी, यानी कि अपने कपड़े उन्हें मामूली लग रहे थे। अगला प्रश्न है नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कैसा अचकन पहनने को दिया। तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को एक भड़कीला अचकन पहनने को दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला अचकन पहनने को दिया। अगला प्रश्न है क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से ये कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह उसकी है, तब ये सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला प्रश्न है कि क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी। तो उत्तर होगा नहीं, नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती नहीं की थी। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि कहां पर कैसी बातें करनी है। तो बच्चों 5 ही क्वेश्चन आंसर वीडियो को पॉज करके ध्यान से अपनी अपनी कॉपीज के अंदर आप लिख लेना। ये रहे 5 क्वेश्चन आंसर। आगे है तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। पहला प्रश्न है कि तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। दूसरा प्रश्न है कि तुम किस किस तरह बनते ठनते हो। तो इसके आंसर भी बच्चों मैंने लिखे हुए हैं, आप भी अपनी अपनी कॉपीज के अंदर इन आंसर्स को लिख देना। पढ़कर सुनाती हूँ। तो का आंसर है मैं बन ठर कर विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में और त्योहारों में घूमने जाता हूँ। अगला प्रश्न तुम किस तरह बनते ठनते हो। तो मैं नए कपड़े तथा नए जूते पहनकर बनता ठनता हूँ। अब है अगला सवाल। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो इसका उत्तर होगा कि तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने कहा होगा कि बस अब मुझे कहीं और नहीं जाना है, चलो घर वापस चलते हैं। यानी कि जब वो एंड में जिस पड़ोसी के घर से निकले तो वो बहुत ज़्यादा उकता गए होंगे क्योंकि नसीरुद्दीन बार बार उनसे पोशाक के बारे में बातें कर रहा था पड़ोसियों से। तो इसलिए तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने कहा होगा कि बस अब मुझे कहीं और नहीं जाना, चलो घर वापस चलते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमना क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो उत्तर लिखोगे कि जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि
शायद वे सोचते होंगे कि लोग उनके मामूली कपड़े देखकर उनको मामूली व्यक्ति समझेंगे। अगला प्रश्न है कि नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? तो इसका आंसर लिखोगे कि उन्हें अपनी अचकन बहुत प्रिय यानी कि बहुत प्यारी होगी, वे सबको उसके बारे में बताने की इच्छा रखते होंगे। तो बच्चों ये तीनों ही प्रश्न वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से रख दिया है ताकि आपको लिखना आसान रहे। प्रश्न भी लिखे हुए हैं, साथ में उत्तर भी हैं। प्रश्न देखने के लिए आपको, क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी, सभी एक साथ लिखा हुआ है। आगे है, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया होगा। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। समझ में आया कि जब नसीरुद्दीन और जमाल साहब हुसैन साहब के घर से बाहर निकले होंगे तो उन्होंने अपनी बेगम को उन दोनों के बारे में बताया होगा। तो आपको कहानी को आगे बढ़ाना है, जैसे कि बेगम बोलेंगी कि कौन आया था, हुसैन साहब नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम कहेंगी, तो इस बार नसीरुद्दीन ने क्या मज़ेदार बात कही। क्या कहेंगी बेगम कि इस बार नसीरुद्दीन ने क्या मज़ेदार बात कही। हुसैन साहब कहेंगे, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय कराते हुए कहा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है, यानी कि उसने ये मजाकिया बात की। बेगम, फिर तो जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हुए होंगे। हुसैन साहब बोले, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो उन्होंने आपस में नसीरुद्दीन और जमाल साहब के बारे में ये बातचीत की होगी। तो वीडियो को पॉज करके लिख देना अपनी अपनी कॉपीज में। आगे है, घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उन्हें अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। तो जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तो तुम क्या क्या करते हो? तो आंसर में लिखोगे कि जब मैं अपने दोस्त से मिलती हूँ तो अपने सारे खिलौने निकाल कर उनके साथ खेलती हूँ, मैदान में भी खेलने जाती हूँ। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके इस आंसर को भी अच्छे से लिख लेना, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको उनका अभिनय एक्टिंग करनी है, जैसे कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होकर दिखाना, इसी तरह मुँह बना कर शिकायत करना, गर्म जोशी से स्वागत यानी कि इस्तकबाल करना, नाराज होना और देखते ही रह जाना। इन सभी चीज़ों की बातों की आपको सेंटेंसेस की एक्टिंग करनी है क्लास में अपनी। अभी पेज नंबर 40, घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तुक्का घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो सकता है पता लगाओ। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? शर्मिंदा होना होता है घड़ों पानी पड़ने का मतलब, शर्मिंदा होना। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से भी बातचीत कर सकते हो या फिर शब्दकोश भी देख सकते हो। घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। तो आप लिख देना, घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में अपने मन में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, चाहो तो इनमें से कोई दो मुहावरे पसंद करके आप उनका चित्र बना दो। जैसे कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? किसी काम के शुरू करते ही उसमें बाधा पड़ना। तो यहाँ पर मैंने इसका चित्र बनाया है, देखो आसमान से ओले गिर रहे हैं और जो यहाँ पे एक गंजा लड़का है, तो ऐसा चित्र मेरी आंखों के सामने आया है। तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब है कि कोई भी काम शुरू करते ही उसमें बाधा पड़ जाना। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब है कि आवश्यकता से कम प्राप्त होना। क्या है? आवश्यकता से कम प्राप्त होना, ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब। दिया तले अंधेरा, तो दूसरों को
नसीहत करने वाले खुद नियम का पालन नहीं करते हैं, इसे दिया तले अंधेरा कहते हैं। जैसे कि मैंने इसकी पिक्चर बनाई है, दिए के तले में अपने खुद के पास रोशनी नहीं है मगर ये आगे दूसरों को रोशनी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दूसरों को नसीहत करने वाले खुद नियम का पालन नहीं करते। अगला मुहावरा है ईद का चांद। तो किसी व्यक्ति या चीज़ का बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद साल में एक बार आता है। तो बच्चों, सभी मुहावरों का अर्थ अपनी अपनी कॉपीज में आप लिख लेना। आगे है, नसरुद्दीन ने एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कैसी थी अचकन? भड़कीली थी। तो जो ये भड़कीली शब्द है, यह क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताता है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। कहानी में ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं, उन्हें छाट कर लिखो। जैसे कि पुराना दोस्त। दोस्त की खासियत क्या है? यहाँ पर दोस्त है पुराना। इसी तरह से तुम्हारी अकल, अपने कपड़े, खास दोस्त, अन्य पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी, मामूली पोशाक, अपने कपड़े, अपनी अचकन। समझ में आया कि चैप्टर में से आपको ऐसे ही शब्द ढूंढने थे, जैसे कि पुराना दोस्त। पुराना क्या है? विशेषण है। इसी तरह से तुम्हारी अकल, यानी कि किसकी अकल? तुम्हारी अकल। अब देखो, भड़कीला, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बताते हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जैसे कि मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है। आम की खासियत है मीठा। तो मीठा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। इसी तरह से काले कबूतर। तो काला शब्द क्या है? विशेषण होगा, क्योंकि ये कबूतर की खासियत बता रहे हैं। अब आगे है, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हो, क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? तो उनके परिवार के बारे में लिखना है। जैसे कि उनके घर में कुल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। उनका नाम क्या है? नाम लिख दोगे। उनकी आयु लिख दोगे। वे क्या काम करते हैं? 4 स्कूल जाते हैं। गुड़ी माता हैं और रौनक पिताजी हैं, जो कि दफ्तर में काम करते हैं। समझ में आया? आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, अपने मतलब पड़ोसियों के बारे में जो आप जानते हो। झूठा और जूठा, इन शब्दों को बोल कर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। तो यहाँ पर भी नीचे मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द दिए गए हैं, जिनके आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, क्योंकि इनके सभी के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो बच्चों, इसे भी मैंने लिख कर रख रखा है। तो बच्चों, एक जैसी आवाज़ वाले ये सभी शब्दों पर मैंने वाक्य बनाए हैं, जैसे कि घड़ा और गढ़ा। घड़े का मतलब होता है मटका। तो मिट्टी का घड़ा गिरकर टूट गया। गढ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो कुम्हार ने मिट्टी का गिलास गढ़ा यानी कि बनाया। घूम, घूमने का मतलब होता है घूमना, और झूमने का मतलब होता है झूमकर गाना गाना। जैसे कि उसने घूमकर छलांग लगाई, उसने झूमकर गाना गाया। इसी तरह है राज और रास। तो राज का मतलब होता है कि मनमानी करना, यानी कि हर जगह तुम्हारा राज नहीं चलेगा। रास का मतलब होता है कि किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी का राज नहीं खोलना चाहिए। फन और फन, तो फन कहते हैं स्किल को, यानी कि नसरुद्दीन हर फन से वाकिफ था। फन कहते हैं सांप के फन को, तो सांप ने फन उठा लिया है। आगे है सजा और सजा। सजा का मतलब होता है सजाना, सजा का मतलब होता है पनिशमेंट देनी। तो कमरे को सुंदर सजा दो, यहाँ पर लिख देना सजा दो। सजा का मतलब है चोर को पुलिस ने सजा दे दी। इसी तरह से खोल और खोल। तो अमित दरवाज़ा खोल, यानी कि किसी चीज़ को खोलना, और इस खोल का मतलब है उबलना, पानी खोल गया है, चूल्हा बंद कर दो।
तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।